पैन को चूल्हे में रखेंगे और हम गैस को ऑन करेंगे। इस पे मैंने 2 ग्लास पानी लिया है, ये मैंने बड़ा ग्लास लिया है और ये ऑलमोस्ट 1/4 फिल हो जाएगा। ये मैंने शकरकंदी ली है, लाल शकरकंदी का इस्तेमाल किया है। इसमें मैं 4 शकरकंदी में डालूँगा और इसको थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके इसको थोड़ा सा प्रेस कर दूँगा ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए और इसको हम ढक देंगे। ढक के कुकिंग करने से क्या होता है कि कुकिंग जल्दी हो जाती है और इसे हम 4 से 5 मिनट तक उबालेंगे। उबाल आने के बाद हम इसको एक पतीले में निकाल लेंगे एक एक करके। मैंने चिमटे की मदद से इनको एक भगोने में निकाल लिया है। ये मेरे चारों मैंने रख लिए हैं। अब इनका स्किन उतारेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा। 2 मिनट के बाद इसकी स्किन आसानी से हाथ से निकल जाती है और यहाँ पे हम चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी ये जल्दी इसका छिलका निकल जाता है। ये मैंने चारों छिल लिए हैं, इसको हम काट लेंगे गोल गोल और इसमें हम मिक्स करेंगे थोड़ी प्याज, हरी मिर्च और धनिया। ये 1 चम्मच 2 चम्मच हम मेयोनीज डालेंगे। और उतने ही चम्मच हम इसमें दही डालेंगे। दही मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, उससे टेस्ट एनहांस हो जाता है। और यहाँ पे हम स्वाद अनुसार काला नमक डालेंगे, आप सफ़ेद नमक भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा पिज़्ज़ा मसाला डाला है जस्ट एक अरोमा के लिए और टेस्ट को एनहांस करने के लिए। इसे हम स्पैचुला की मदद से या स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए ये डिश कितनी सिंपल है और जल्दी तैयार हो जाती है। इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है, आसानी से बन जाती है। घर में सब लोग बड़े प्यार से खाएंगे। आप लोग भी बनाइए और बताइए कि आपको कैसा लगा।